जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच भर्ती पिटाई मामले में 48 घंटे हो चुके हैं, जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांचकर्ता डीडीसी ने डीएम से मांगी है मोहलत और जांच रिपोर्ट सौंपने को लेकर 5 दिन की और मोहलत मांगी है। डीडीसी ने पीड़ित छात्र का हाल जाना है, उनका पक्ष जाना है। आरोपित एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने सुनवाई के लिए समय मांगा और एसएचओ कोतवाली ने सीसीटीवी फुटेज नहीं कराया उपलब्ध। हर एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फुटेज के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। घंटे कितने हो गए ये आप जानिए। अभी तक 48 घंटे का वक्त हो चुका है। रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, आप कवर कर रहे थे और अभी जो जितनी खबरें हमने, जितने पॉइंट्स आपके द्वारा हमें बताए गए हैं, उसमें अजब गजब सी जानकारी है। यानी कि फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया, उसके लिए अतिरिक्त समय की डिमांड की गई है। 2 दिन की मोहलत थी, 48 घंटे, 5 दिन का वक्त मांगा जा रहा, हो क्या रहा है? बिल्कुल विवेक, आपने सही सवाल किया है। और इस तरह से पूरे मामले सामने आने के बाद जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने गंभीरता से लिया था और 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। लेकिन दो अधिकारी जिनका हवाला दिया गया है, जिन पर आरोप लगा था एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह, जब उनसे पूछा गया, उनको सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा गया, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि सुनवाई में फिलहाल अभी हम शामिल नहीं हो सकते, हमें मोहलत दिया जाए। पहला पॉइंट हुआ है। दूसरा, आपने सही कहा कि एसएचओ कोतवाली, जिनका ये कार्य क्षेत्र था जहां पर ये घटना स्थल है, यानी वहीं पर हंगामा हुआ है और सीसीटीवी में तमाम चीजें कैद हुई है, यानी लाठी कैसे चली, वो ड्यूटी पर कब आए और छात्र की क्या उसमें थी, तमाम चीजों को उस पर जांच की जा रही है। लेकिन बता दें आपको कि डीडीसी और जो अधिकारी हैं, दोनों जांच रिपोर्ट नहीं सौंपे हैं। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि 5 दिनों का मोहलत मांगा गया है और उसमें तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल जो एडीएम है लॉ एंड ऑर्डर और उनके अलावा जो थाना अध्यक्ष हैं कोतवाली के, उन पर अब मामला टिक गया है, क्योंकि वही दोनों जो है अब लेट लतीफी का कहीं ना कहीं अब जो है कारण बन रहे हैं। क्योंकि 5 दिन बाद अब सबकी निगाहें टिकी है कि अब क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि रिपोर्ट 48 घंटे बाद ही आनी थी, लेकिन आज 12 बजे तक उम्मीद की जा रही थी कि आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन 5 दिन बाद अब रिपोर्ट आएगी। तो निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जिलाधिकारी के आदेश का। रजनीश, एक सवाल और भी है कि सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की जा रही है, कोतवाली की तरफ से अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया, तो जो मीडिया फुटेज है, जो हर जगह ये तस्वीर अब आम हो चुकी है, तो क्या इस जो फुटेज का, जो दिन भर ये खबर चलती रही, दिखता रहा, तो क्या इसका एंगल यहां पर सेट नहीं कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो फुटेज है, वायरल वीडियो की बात जिलाधिकारी ने कही है, उस वीडियो में साफ तौर से प्रतीत हो रहा है कि जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है उनके हाथ में डंडा है और किस तरह से बेदर्दी से, बेरहमी से वो छात्र की पिटाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रध्वज पर भी डंडा चला रहे हैं। ये साफ जो वीडियो है वो प्रतीत हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हम छात्रों का इंटेंशन भी जानेंगे, या फिर जो मॉब है उसमें कितने जो है छात्र शामिल हुए थे और कौन कौन छात्र थे, तमाम चीजों को वो जांचना चाह रहे हैं और उसके बदले जो है सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारियों के लिए।